हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिला प्रशासन ऊना के प्लास्टिक फ्री अभियान में 1 लाख से अधिक कपड़े के बैग बनाने वाले ऊना के महिला स्वयं सहायता समूह अब कोरोना को हराने के लिए मैदान में उतर गए हैं। अब इन स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ट्रिपल लेयर मास्क बनाने का ऑर्डर दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ऊना व हरोली उपमंडल के 10 महिला स्वयं सहायता समूहों को मास्क बनाने का काम सौंपा गया है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं रोजाना लगभग 1000 मास्क तैयार कर रही हैं और उन्हें सस्ते दामों पर बाजार में उतारा जा रहा है। तो अच्छा लग रहा है, हेल्प सेल्फ ग्रुप है हमारा, हरे कृष्ण ग्रुप है, और हमें सरकार की तरफ से आ रहा है काम, ग्रुप की तरफ से दे रहे हैं काम। तो कितनी महिलाएं आपके साथ? मेरे साथ 10 महिलाएं हैं। तो कितने मास्क जो है वो रोज तैयार किए जा रहे हैं? तो कल तो हमने 150 के लगभग किया, 2 घंटे में 3 घंटे में, तो ऐसे कर लिया। ग्रामीण विकास विभाग ने ट्रिपल लेयर मास्क बनाने के लिए कपड़ा स्वयं सहायता समूहों तक पहुंचा दिया है और बाजारों की मांग के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। यह मास्क कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मापदंडों के अनुरूप ही तैयार किए जा रहे हैं। बाजार में मास्क की कमी है और स्वयं सहायता समूहों द्वारा मास्क तैयार होने के बाद इस कमी को पूरा किया जा रहा है। आजकल ये है ना कि कोरोना वायरस ज्यादा चला हुआ है, तो ये कोई ना बोले कि हमें मिलता नहीं है, तो हम लेडीज सारी इकट्ठी होके ऐसे सिलती हैं, तो सबको मिले और सबको सहूलत होती है, काफी हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। मास्क तैयार करने वाले स्वयं सहायता समूहों को प्रति मास्क 5 रुपए सिलाई प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें आय होगी। वहीं स्वयं सहायता समूहों को आम लोग व दवा विक्रेता भी बल्क में मास्क बनाने का ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे ये अब आजकल जो कोरोना वायरस का ये चल रहा है काफ़ी, तो इसके लिए जो RD डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टर साहब ने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, ये मतलब उन्होंने अपनी तरफ से ही ये कपड़ा प्रोवाइड करवाया सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चल रहे हैं उनके लिए। तो जो लेडीज़ ये काम कर रही हैं उनके लिए बहुत बहुत बड़ा काम है। पहले भी इन्होंने जो जैसे पीछे स्वच्छता के रिगार्डिंग ये काम चला था, उसमें इन्होंने थैले बनाने का काम किया था, तो इसमें भी इन्होंने काफ़ी पैसा मतलब कमाया है, इनको काफ़ी अच्छा लगा। और ये अब जो मास्क के लिए है ये भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। और मास्क इनको क्या मेहनताना दिया जा रहा है? पर मास्क इनको 5 रुपए दिया जा रहा है। तो कपड़ा विभाग की तरफ से? हाँ जी, कपड़ा विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। तो विभाग आगे इस मास्क को किस तरह से मार्केटिंग कर रहा है? विभाग आगे इसको मतलब जैसे यहाँ से तो ये हम दे रहे हैं जैसे 5 रुपए, तो इसमें जैसे इसकी पैकिंग वगैरह होके भी आगे जाएगी तो 10 रुपए ये आगे दिया जाएगा। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।